मालूम मजारा से निकला हूँ और जा रहा हूँ बंगा के पास है शहीद भगत सिंह का घर, लगभग यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर दूर है, तो बातचीत करते हैं वहाँ पहुँच के। तो अब हम पहुंच गए हैं उस लोकेशन पे। नाम क्या है जगह का? हरकट कला जगह का नाम है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और इस जगह पे ये बेसिकली इसके पीछे गांव है और एक म्यूज़ियम टाइप का है जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं और जहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारियाँ हैं, थोड़ी बहुत के बहुत जानकारी है। और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत आसान है। ये पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाईवे है, ये बंगा वाला हाईवे है, बंगा जाने के लिए हाईवे है। और बंगा से थोड़ी ही दूर पे, मुश्किल से हार्डली मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर होगा ना, 3 किलोमीटर करीब पे ये गांव पड़ता है खरकट कला। और ये एक ढाबा है यहाँ पे, यहाँ पे भी आलू पराठे वगैरह है, ये खाने की जगह है। और ये पूरा जो एरिया है ये बड़ा सा लॉन है और वहाँ पे हम अभी जा रहे हैं अंदर। ये मेरा बैड लक है, ये हमारा बैड लक है कि ये जो म्यूज़ियम है ये अभी बंद है, इसमें अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और करीब 1 महीना लग जाएगा, लगभग 1 महीना लग जाएगा। शहीद भगत सिंह की स्टैचू है पीछे बहुत बड़ी, इसमें एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो अभी हम आए हैं वहाँ से, वहाँ अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और अब हम जा रहे हैं पीछे। उस जगह पे पूरा गार्डन का व्यू है, यहाँ पूरा गार्डन डेवलप हो चुका है। और इस तरफ पे ये गेट है, एंट्री है, एंट्रेंस है। और यहाँ से जब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हैं सीढ़ियाँ, इसके बाद यहाँ पे ये उस टाइम के ईंटें हैं, उस समय का बेड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। वहाँ से इस तरफ पे चक्की लगी हुई है आटा पीसने के लिए। यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एग्जॉस्ट फैन भी है उस समय का, यहाँ पे वो देख सकते हो आप, एग्जॉस्ट फैन है वहाँ पे उस समय का। एक प्रेस भी रखी हुई है, आयरन, आयरन रखा हुआ है। ये पुराने ज़माने का चूल्हा, ये है चरखा, ये मेरे ख्याल से उनका कमरा है, उस जगह पे नहाने का है, ये उनका कमरा है, ये चरखा रखा हुआ है। और ये किचन है मेरे ख्याल से, किचन का सामान, ये पूरा किचन का सामान है यहाँ पे। वहाँ से होते हुए हम इधर आए, यहाँ पे किचन था, किचन का पूरा सामान। और ये है कुआं, हालांकि ये नीचे पूरा बंद कर दिया गया है ताकि कोई रिस्क ना रहे, तो ये कुआं पूरा ही पैक हो चुका है। यहाँ से पानी निकालते थे इससे, यहाँ से एक बार जाके देखते हैं ऊपर। वैसे तो रास्ता बंद है, ये बंद कर दिया गया है, तो हम छत पे नहीं जा सकते। किचन वाले एरिया के बाद अब हम जा रहे हैं इस तरफ, पीछे देखते हैं क्या है। ये रोशनदान है उस टाइम का, ऊपर 2 रूम है, एक ये एक वो, वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ से जाके यहाँ पे एक डोर है जो कि बंद है। पीछे आप देख सकते हो यही है शहीद भगत सिंह का घर, सरदार भगत सिंह का घर। और मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ पे आना। क्यों पिंदी, कितनी बार आए हो पहले तुम? मैं तो काफ़ी बार आ चुका हूँ। कई बार तो मतलब ऐसा ही माहौल रहता है या अलग अलग रहता है? बहुत, एतवार संडे तो ज़्यादा रहता है, संडे को भीड़ रहती है, संडे भीड़ रहती है, सोमवार छुट्टी होती है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है, मैं यहाँ पे देख रहा था कि मुझे लग रहा था कि आसपास का इलाका थोड़ा शांत होगा, उस टाइप का होगा, लेकिन ये एक नॉर्मल गांव है और आसपास के जो एकदम चिपके हुए घर हैं, मतलब
लगे हुए से घर हैं जो इनके घर के आसपास, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि कैसा महसूस करते होंगे वो लोग। अब जैसे ये घर है सामने, अब ये घर अगर मान लो सोचो जब निकलता होगा तो सबसे पहले भगत सिंह के घर को देखता होगा, या मतलब एक दिमाग में कहीं ना कहीं होगा ना कि यार हम उनके गांव से हैं, कहीं ना कहीं तो दिमाग में आता होगा कि हम शहीद भगत सिंह के गांव में हैं, मतलब हम उनके गांव से बिलोंग करते हैं, और ये बहुत प्राउड फीलिंग होती होगी। इनका घर है और यहाँ से ये पूरा आप देख सकते हो ये गार्डन बना हुआ है। शहीद भगत सिंह का घर है वो दूर पे, और वहाँ से हम लोग ये गार्डन पूरा होते हुए, यहाँ का जो गार्डन है ये पूरा होते हुए यहाँ बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन था जो कि अभी नहीं चलता है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ से फिर वापस रोड पे जाया जा सकता है, तो चलो यहीं से ऊपर रोड पे चलते हैं। चले फोटो खींचने का सोचा था यहाँ से, लेकिन क्योंकि सूरज उसी तरफ है तो कुछ आएगा नहीं खास, तो अननेसेसरी मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। उनमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या लिखा हुआ है, जो कुछ समझ में आता है मुझे, हालांकि पंजाबी मुझे आती नहीं है। सिंधी इधर आओ यार, बताओ क्या क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इसी वाक्य से भगत सिंह इंस्पायर हुए थे। ये है वो जब बम फेंका गया था और ये गिरफ्तार हुए थे, पर्चा बांटा गया था और बम फेंका गया था। साइमन कमीशन के टाइम पे जिसने लाठीचार्ज की थी उसको मारा गया था ना, गोली से मारा गया था। ये है सरदार भगत सिंह। तो यहाँ पे खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है, सामने दुकानें लगी हुई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, किसी को भी ऐसा लगता है कि हम जाएंगे तो हम दिन कैसे स्पेंड करेंगे, कोई कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे आके बैठना चाहते हैं, सिर्फ वो महसूस करना चाहते हैं, तो अगर जिनको भी ऐसा लगता है तो खाने पीने का टेंशन ना लेना, यहाँ पे खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था है। तो आप आराम से यहाँ पे आके एक पूरा दिन भी बिता सकते हैं, मतलब आप चाहें तो, ये अपनी अपनी इच्छा और फीलिंग की बात है। अभी यहाँ से गुजर ही रहा था तो मेरी नज़र पड़ी इन फोटोग्राफ्स पे, आप जो देख सकते हो ऊपर ये जो स्किन है इसमें देख सकते हो, इन फोटोग्राफ पे नज़र पड़ी। जैसे ही रेलवे फाटक क्रॉस किया मैंने बोला आगे गाड़ी रोको, ये पहले देख लेते हैं। ये भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जी का फैमिली ट्री है यहाँ पे, ये पूरा मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। फोटो में आप देख सकते हो ये मम्मी जी हैं शहीद भगत सिंह जी की, ये शहीद भगत सिंह हैं और ये उनके पिता हैं, और ये उनका फैमिली ट्री है पूरा यहाँ पे। तो ये था पूरा का पूरा सफ़र शहीद भगत सिंह जी के घर का। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मैं पंजाब में फ़र्स्ट टाइम घूमने आया हूँ, और मैं यहाँ पे यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर पे रह रहा हूँ, और यहाँ पे आके मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मैंने इस चीज़ को दिल से महसूस किया है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं देख भी पाऊँगा, ना मेरे कहीं घूमने की लिस्ट में ये चीज़ थी कि मैं भगत सिंह जी के घर जाके घूमूंगा। वो तो बिंदी ने मुझसे कहा कि चलो घूम के आते हैं, यहाँ पे है। मैं हैरान हुआ पहले तो, और मैं बहुत खुश हुआ इस बात को लेकर कि आज हम यहाँ पे शहीद भगत सिंह जी का घर देखने आए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिएगा, और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। और अगर वाकई में ये वीडियो अगर आपने देखा है तो नीचे एक बार शहीद भगत सिंह के लिए जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू।